सरकार के विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं, और यदि हम नहीं जागे तो इनके बच्चे भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप कहां हैं और पूरी स्कीम ऑफ थिंग में? आपके इनकम टैक्स जो है ना जाता है आपके ऊपर रेड करता है, इन्फ्लेटेड जो है ना वो निकालता है इनकम टैक्स आपके ऊपर, वही आपको 10 साल के रगड़े के बाद वो आके 1/10 पे आ जाता है। तो जिसने गलत कैलकुलेशन करके आपके ऊपर इनकम टैक्स निकाला उसकी डी नहीं होना चाहिए, उसने आपको 10 साल कष्ट में रखा, इसके लिए उसे कंपनसेशन नहीं देना चाहिए। और लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, अभी बहुत चर्चा का विषय है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है केवल 87 परिवारों के ही लोग जो है अपर जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हर कोई जो है अपनी स्थिति का दोहन कर रहा है, राजनेता अपनी स्थिति का दोहन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स और जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो जो है जनता को चूस के कुछ अपने पास रख रहे हैं, कुछ राजनेता तक पहुंचा दे रहे हैं। जुडिशरी वाले जो है बाकी सिविल सेवा और जो है ना इवन ऑल इंडिया सर्विसेज वालों को 4 साल में 2 LTC मिलती हैं, 1 LTC होम LTC होती है, दूसरी जो है ऑल इंडिया LTC होती है। इन जजेज ने अपने उसमें बाय एनुअल की जगह बाय एनुअल लिखवा दिया, किसी को लज्जा ही नहीं आती है कि 2-2 बार LTC जाते हैं। मतलब लज्जा, हमें तो लगता है हमारे देश के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि लज्जा क्यों नहीं आती है। अब आप ये बताइए 2004 के बाद किसी भी जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को पेंशन नहीं मिलना है, और ये दुष्ट राजनेता 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन, 7-7 पेंशन ले रहे हैं, किसी को लज्जा ही नहीं आती है। तो इस सिस्टम में यदि ये चीजें इतनी दिखाई दे रही हैं कि लोगों को जगाना बहुत आसान है और लोगों की प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी थी, उनके पास ऑप्शन नहीं है, ये भी दुष्ट वो भी दुष्ट वो भी दुष्ट, तो अब उसमें जो छोटा दुष्ट समझ में आता है उसी को जो है ना वो कर लेते हैं, चाहे वो छोटा दुष्ट जो है ना उसने मैनिपुलेट करके अपने को छोटा दुष्ट जो है साबित किया है वो उससे बड़ा दुष्ट हो सकता है, लेकिन लोग बाग लेसर इविल को चुन रहे हैं उनके हिसाब से। उनको कई बार ये भी लगता है के साथ जो है ना मालूम नहीं क्या बर्बरता हो जाएगी, क्या हो जाएगा, चलो भैया मोदी जी के ही चरणों में बैठ जाइए। और मोदी जी जो जीत रहे हैं वो आपके फेवर का धेलेवर का काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया तो एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए जो आर्टिकल 370 जैसी है, जो उन्होंने मई 2020 में जो है लागू की है और पब्लिक को ना बताया ना कोई चर्चा की। अब ये आप बताइए जैसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसका सेक्शन 4 भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा ले रहा है। लोग बात जो है ना इसमें PIL लगा रहे हैं कि साहब एक गलत कानून है, तो मोदी जी जो है को क्या दिक्कत हो रही है? तो बोले नहीं साहब बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, मुझसे कोई अंधभक्त पूछ रहा था कि साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा भैया क्या मुश्किल होती है, एक रिपील का जो है ना प्रपोजल आए और हां की जीत हुई और ना की हार हुई, इतना ही तो दिन है। तो जितने भी जो है आप जो है जो संविधान में लिखा है वो कर नहीं रहे हो, और संविधान में जो प्रतिबंधित है उसे अपने लाभ के लिए कर रहे हो, और टिकट अच्छे लोगों को दे नहीं रहे हो। मतलब ये बात भी मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम, मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि उत्तर प्रदेश की जो अभी विधानसभा है उस वो 403 सदस्यों की विधानसभा है जिसमें 205 जो है अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इट इज द मेजोरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो तो थोड़ा थोड़ा आदित्यनाथ योगी का भय काम कर रहा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी नंगा नाच हो रहा होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल हो रहा है।
और वहां पे भी लोग बात कह रहे हैं कि साहब पंडितों को पोस्ट कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वहां पे ठाकुर का और पंडित का एक बड़ा सा वो चल रहा है, आई डोंट नो क्या रियलिटी है। लेकिन जब अभी मैं उत्तर प्रदेश की विजिट पे था तो कुछ कुछ बातें मेरे कान तक पहुंची जो बहुत अच्छी नहीं थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे कान में पहुंचा है वो कुछ गलत ही हो तो अच्छा है, लेकिन यदि सही है तो वो निश्चित तौर पे अशुभ भी है, चिंतनीय भी है। नहीं, वो सही है और अशुभ भी है और चिंतनीय है, और ये उसको बढ़ावा मिल रहा है। पोजीशन खराब, दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। तो जनता को न्याय कब मिलेगा यार? यार जाति और धर्म में तो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें बांटा है सर, वही अफीम तो काम कर रही है। हाँ, और आप ये देखिए ना, जो जिसका ठेकेदार बना है वो उसका लाभ नहीं कर रहा है। सर पड़ोसी के घर में आग लगी है, इसकी खुशी है, हमारा कुछ घर बने ना बने ये सिस्टम चल रहा है। सब घर जुड़े हुए हैं और ये नेचर में ग्लोब भी जुड़ा हुआ है। ये कंफ्यूजन अमेरिका को भी था, तो वो पड़ोसी देशों में जो है ना जंगल कटवाता था, वो सोचता था कि हम सुरक्षित रहेंगे। अब उसे भी समझ में आ गया कि नहीं साहब, ये नेचर तो जो है ना इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं होगा कि साहब जो है ना आप गड़बड़ी कहीं दूसरी जगह करोगे और उसका बाउंस इफेक्ट इफेक्ट आपके देश में नहीं आएगा। ये सोच जो है ना गलत सोच है, लेकिन सक्सेस है सर, वो वही सोच जो है सक्सेस है लोगों के बीच में, वो उसको निकालने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस की जरूरत है। हम तो जो है, आई डोंट नो, आई प्लीड के मैं गलत हूं, मैं